हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शिवफान को उस बॉक्स पे दया आती है, इसलिए वो अपना टोकन निकालने के बाद उसको वहाँ से आज़ाद कर देता है। जैसे वो वहाँ से आज़ाद होती है, वो टावर पूरी तरह से छिटकने लगता है। ये देखकर एंकर स्वयं अंकुर को पता चल जाता है कि वो वहाँ से आज़ाद हो चुकी होती है। इधर शिवफान कह रहा होता है, इसने तो मुझे गलत फंसवा दिया, अब आगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो टावर पूरी तरह से छिटक जाता है, उसमें से आग निकलने लगती है और वे लोग अभी भी उस टावर के अंदर होते हैं। उन लोगों के ऊपर टावर टूट टूट कर गिर रहा होता है और वो उनके पत्थरों को उनसे बच रहे होते हैं। इसके बाद वो फॉक्स और वो उस टावर को तोड़ते हुए और वहाँ से निकल जाते हैं। वो फॉक्स काफ़ी ज़ोर से हंसने लगती है, उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही होती है और सेंगोंग के पास भी पहुँचती है। सेंगोंग उसका नाम लेते हुए तुरंत ही वहाँ से उधर की तरफ आने लगता है। वे सभी लोग कह रहे होते हैं, ब्रदरली अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर वो कहने लगता है, मार दो सभी को। इसी के बाद वे सभी फिश मॉन्स्टर्स को मारना शुरू हो जाते हैं, पर वे फिश मॉन्स्टर उन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं और एक एक करके सभी लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते हुए ब्रदरली तुरंत ही अपनी एक फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस जगह पर पूरी तरह आग फैल जाती है और वे जो भी मॉन्स्टर वहाँ पर थे वो जलने लगते हैं। इसके बाद वो एक वहाँ पर फायर पैथन को समन कर लेता है। उस फायर पैथन को समन करने के बाद वो कह रहा होता है, इसके बाद वो फायर पैथन उन सभी फिश मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वे एक एक करके जलकर बढ़ने लगते हैं। इधर एल्डर लू कह रहा होता है, ये सारे बीस्ट बढ़ने के लायक ही हैं और वो भी सभी को मार रहा होता है। पास में ही एक नदी होती है, उसमें से कुछ मॉन्स्टर तुरंत ही वहाँ से निकल कर आ रहे होते हैं, जो कि आग के अंदर सीधे पहुँचते हैं और उन सभी लोगों से अंदर लड़ना शुरू हो रहे होते हैं। वे लोग अंदर मिलकर एक लड़के को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर ब्रदर लिया जाता है और उसको बचा लेता है और उसके साथ में वो लड़की भी आ जाती है और वो कहने लगती है, सीनियर ब्रदर, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हमें लगता है कि हम लोग रोक पाएंगे इसे सब। इस तरह वो कहने लगता है, हम दोनों अलग अलग जाते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो उससे कहता है थोड़ा अपना ध्यान रखना। इस तरह वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर रेड हॉकाई पूरी चारों तरफ देख रहे होते हैं और वहाँ पर भूचाल मचा हुआ होता है और चारों तरफ आग फैल रही होती है। आसमान से सभी चारों तरफ आग के गोले बरस रहे होते हैं। ब्रदरली वहाँ पर भाग रहे सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके ख़त्म कर रहा होता है और किसी को भी भागने नहीं दे रहा होता है। दूसरी तरफ भी चारों तरफ आग के गोले दागे जा रहे होते हैं। शिवफान उन्हीं आग के गोले के बीच में से होकर निकल कर चला जाता है और उसे पास के जंगल में एक चट्टान पर जाकर उतर जाता है। उसके पीछे पीछे वो फॉक्स भी आ जाती है और वो भी वहीं पर उतर जाती है। वो उसको देखने लगते हैं। वो फॉक्स अचानक से अपने पूंछों को घुमाने लगती है और उसके चारों तरफ एक सर्कल बनने लगता है और उस सर्कल से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिससे कि आसपास के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और फूल खिलने लगते हैं। वो व्हाइट कलर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक गोले में घूम रही होती है। उसके अंदर उसका शरीर धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये देखकर शिवफान तुरंत ही पीछे की तरफ घूम जाता है। तभी उस धुएं के अंदर देखते हैं वो फॉक्स धीरे धीरे करके एक ह्यूमन का रूप लेने लगती है और इसी के साथ ही वो एक लड़की में बदल जाती है। काफ़ी देर में उसका धुआं हटता है और उसमें से हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बिना कपड़ों के होती है। शिवफान तुरंत ही अपने पास से कुछ कपड़े निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है। वो अंदर उन कपड़ों को कैच कर लेती है और कहने लगती है, शुक्रिया यंग मास्टर। इसी के साथ ही वो उन शिवफान के दिए हुए कपड़ों को पहन लेती है। वो कहने लगती है मास्टर हो चुका है, अब तुम घूम सकते हो। पर शिवफान तो अभी नहीं घूमता, पर वो लिटिल वन के लिए उसको लगातार देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो घूमकर देखता है कि उस लड़की के सफ़ेद बाल और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। उसको देखने के बाद वो उधर की तरफ देखने लगता है, जिस जगह से स्पिरिचुअल पावर की एक पिलर निकल रही होती है। उसको देखते हुए सोच रहा होता है उस डीकोवर्सी की पावर के बारे में, जो कि उसने उसी जगह पर उसके चित्र देखे थे। वो लिटिल मंकी तुरंत ही शिवफान के पास से उतरते हुए तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसको देखकर हंसने लगता है। वो भी उसे हंसते हुए अपने पास उठा लेती है और कहने लगती है, मैं तुम्हें भी धन्यवाद करना चाहती हूँ छोटे मंकी। इसी के साथ ही वो उसके सर पर हाथ मार देती है और वो उसको देखकर हंस रहा होता है। फान इधर अपनी सोच से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो फॉक्स वाली लड़की उसको धीरे धीरे अप्रोच करते हुए आगे की सीनरी को देख रही होती है। उसको देखते हुए बोलने लगती है, 300 साल, पूरे 300 साल हो चुके हैं, ये दृश्य मैंने अब देखा है। शिवफान उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या आगे करने का। इस तरह वो कहने लगती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सोलू से मिलने ज़रूर जाऊँगी। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा रुक जाता है और कहने लगता है, यहाँ से करीब 10 माइल दूर एक गाँव है, वहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदरीले हिस्से में वो तुमको वहाँ मिल सकता है। उसकी बात सुनते हुए वहाँ कर देती है और उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। शिवफान उसी टोकन से गोल निकाल देता है जिसकी मदद से उसने उस फॉक्स को फ्री किया था और कहने लगता है, ये मेरे अब किसी काम का नहीं है, ये मैं तुम्हें वापस करता हूँ। उस टोकन को देखते हुए अपनी आँखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही होती है। उसी जगह पर देखते हैं वहाँ पर सेंगवान पहुँच चुका होता है
और उसे पता चलता है कि वो फॉक्स वहाँ से भाग चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी पीछे से ब्रदर ली पहुँच जाता है और कहने लगता है, अंकल सेंगवांग, हमने सभी लोगों को मार दिया है और जो बच गए थे उनका जूनियर सिस्टर पीछा कर रही है। इस सर वो कह रहा होता है, तुम्हारी वो जूनियर सिस्टर ही जिनपिंगर है। इस सर वो कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। इस सर वो कहने लगता है, जब जब ऊपर से स्पिरिचुअल पावर आई थी तब मैंने उसको थोड़ा सा देख कर पहचान लिया था कि ये वही है, पर सिचुएशन देख कर मैंने कुछ नहीं बोला। खैर ये सब छोड़ो, उस पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वैली लॉर्ड से मिलने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इस सर वो ब्रदरली उससे कहने लगता है, अंकल सेंगम मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता, आप मुझे पनिश करो। इस सर वो कहने लगता है, खैर ये सब छोड़ो, उसका पीछा करना बेकार है, मैं वैली लॉर्ड से मिलने जा रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा संभालना। वो वहाँ से चला जाता है और इधर हम ब्रदरली की आंखों में एक अलग ही चमक देखते हैं जिसमें आग निकल रही होती है। पैंगसे वैली से कुछ दूर हमें एक आदमी देखते हैं जो कि जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है और वो देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था सोलो टावर भी टूट जाएगा। पैंगसे वैली इतने सालों से प्लान बनाने लग रहा था, अब उसके सारे प्लान गड्ढे में जा चुके हैं, अब पता नहीं क्या होगा। इतना कहने का तो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम उसी बॉक्स को देखते हैं जो कि उस स्वर्ण सोर्ड के नाम के टोकन से को ले लेती है और वो कहने लगती है, तुम ये मुझे देना चाहते हो, तुम्हें पता है ये आर्टिफैक्ट क्या है। ये हैमर और अर्थ में एक ऐसा आर्टिफैक्ट है इसकी मदद से और तुम उस एट डायग्राम फॉर्मेशन की मदद से इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। इससे सुपन उससे कहने लगता है, इन सब से मेरा क्या मतलब है, और हाँ ये मुझे कुछ दे भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर वो एकदम सांस ले जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो हंसने लगती है। वो काफ़ी ज़ोर से हंस रही होती है, उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही होती है और कहने लगती है, बहुत सही कहा तुमने, बहुत सही। पिछले 300 सालों से जब से मैं उस जगह पर कैद हूँ मैंने उस दिन की बात कभी भी दिन नहीं देखा और ना ही रात देगी, और ये सब इसी सोलर सॉर्ड के टोकन के कारण है। अब मेरा इससे क्या काम है, इसी के चक्कर में मैंने इतनी सारी यातनाएं सही। इससे सुपन उससे कहने लगता है, तो क्या तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए, तुम बदला नहीं चाहती। इससे वो कहने लगती है, पहले तो मैं बहुत सोचा करती थी कि यहाँ से निकलने के बाद बदला लूँगी, पर जैसे मैं यहाँ से बाहर निकली अब बाहर देखने के बाद मुझे लगता है कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये चमकता हुआ चाँद। अब मेरा मन नहीं है कि मैं बदला लूँ, मैंने अपने कई सौ सारे आर्टिफैक्ट पर बर्बाद कर दिए, मैं कुछ दिन शांति की बिताना चाहती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। इधर वो सेंगवांग वैली रोड के पास पहुँच चुका होता है और कह रहा होता है, अंदर से वो कह रहा होता है, सेक्शन की रक्षा करने वाले अब क्या बात हुई, कैसा चल रहा है सब कुछ। इस सर वो कहने लगता है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सेक्शन के अंदर 20 सेक्शन की जिनपिंगर आ गई है। इस सर वो कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं डीमन कल्ट को पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस सर वो कह रहा होता है, मैंने पूरी तरह से चेक किया पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों को उस चीज़ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। उस जगह को जो भी तोड़ सकता है वो सिर्फ फायर सॉर्ड है, जो कि न्यूक्रोमेंसी के अलावा एक ऐसी पावर है जो कि उस रिफाइनमेंट को तोड़ सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस पर संगम कहने लगता है, लगता है फायर सॉर्ड किसी ऐसे इंसान के पास है जिसने उसको आज़ाद किया है। इस सर वो कहने लगता है, इस पूरे मैटर का इंचार्ज मैं तुम्हें बनाता हूँ, इसको तुम्हें पूरी अच्छी तरह से देखना है और उस आदमी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, गलती से ही सही उसे मार देना। इसके बाद उसकी बात पर हाँ करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर तुम सोचते हो कि तुम कल्टीवेट करने में ज़्यादा अच्छे हो और जानवरों के साथ मिली भगत करके तुम आगे बढ़ सकते हो, पर तुमने सेक्शन को तो भी आगे नहीं बढ़ा पाया, तुम किसी भी काम के नहीं, पिछले 300 साल के जैसे ही तुमने दोबारा से उस टावर को तोड़वा दिया। इधर वो बाहर निकल के जा रहा होता है तभी ब्रदरली उसके आगे आ जाता है। वो कहने लगता है, अंकल सेंगवांग क्या हुआ। सर वो कह रहा होता है, उस डीमन कल्ट की जिनपिंगर ने कई सारे प्लान रचे, इसके साथ हमारे लोगों को भी मारा और हमारे अल्टार को भी तोड़वा दिया, चाहे हमें 3 फीट ज़मीन खोदनी पड़े पर हम उसको निकाल खोजेंगे और उसे मार देंगे। इसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो सेंगवांग एक जगह से निकल के हुए जा रहा होता है, उस स्पिरिचुअल पावर को देख रहा होता है। तभी पास की एक चट्टान पर हम जिनपिंगर को देखते हैं जो कि उस लड़की से वापस अपने रूप में आ जाती है और कह रही होती है, ये सारा इल्ज़ाम तुमने मेरे ऊपर डलवा दिया, लगता है इसका हिसाब चुपता करने के लिए अच्छा इंसान को ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। इधर हम शोफान को देखते हैं जो कि अभी भी उसी फॉक्स के पास खड़ा होता है और कह रहा होता है, तुम्हें सानू सोड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम इससे अपना बदला भी तो लोगी। इस तरह वो उससे कहने लगती है, मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें क्योंकि तुम ब्लड थर्स्टी बीस्ट और सोल पावर का और सोल क्रैचिंग पावर का इस्तेमाल करते हो, और मैं मानती हूँ कि ब्लड थर्स्टी बीस्ट कभी कभी तुम्हें एक ही दम ही इविल पावर से तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करते होंगे, तब ये बहुत ही ज़्यादा काम में आता होगा, तो अच्छा रहेगा कि तुम इसे अपने पास रखो कि जब भी तुम्हारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो ये तुम्हारी मदद कर सके, और मुझ जैसी एक बूढ़ी औरत के लिए ये किसी काम का नहीं,
जो कि कई हज़ार साल जी चुकी है और बंदर की गुरुली मचाती हुई उससे पूछ रही होती है, सही कह रही हूँ ना मैं? केसर वो अपनी गर्दन हिला रहा होता है। शोफान उसी को देख रहा होता है और अपनी छड़ी को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है, तुमने एक बात गलत कही कि इस छड़ी ने मेरे को एक बार बहुत सारी दे रखी है, पर तुमको ये नहीं पता है कि इस छड़ी ने ही मेरी कई बार जान बचाई है और इसी की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस छड़ी ने मेरे को बहुत सारी विल पावर दे रखी है और जिसी की वजह से मैं यहाँ पर पागल हो जाऊँगा। ये विल पावर मेरे अंदर खुद से ही आती है, जो कि मेरे अंदर दबी हुई है। ये बात सुनकर वो उसी की तरफ देखने लगती है और उसके चेहरे को देख रही होती है। वो घूम कर उसकी तरफ पीठ करते हुए कहने लगता है, सीनियर आपको तो सब कुछ पता ही है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर दें। इसके बाद वो बाई की इलनेस का क्योर पूछने लगता है उससे और पूछ रहा होता है उसकी अगर कॉन्शियसनेस में कैसे लाएंगे, और पर उसकी बॉडी इमोर्टल है, वो मर नहीं सकती, कोई इलाज है इसका? इसके बाद वो उसकी बात सुन लेती है और वहाँ से हटते हुए आगे की तरफ चली जाती है और आगे की चट्टान पर जाकर खड़ी हो जाती है और सूरज को देखने लगती है, जो कि डूब कर वापस से वो गुस्सा रहा होता है। वो कहने लगती है उसे घूमते हुए, एक तरीका है। इधर हम बायो को देखते हैं जिसके हाथ में वो घुंघरू सा होता है, वो हिल जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।